मैं तो यार बाबा जी के दर्शन पाके धन्य हो गया। ऐसे व्यू, ऐसे जगह, ऐसा लोकेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो जरूर आए, काफी बढ़िया है। मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, एक बार बाबा जी के दर्शन करने जरूर आए। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। और मैगी को डालने के बाद उसके लिए पानी तो चाहिए, पानी के लिए मेरा ला रखा है बर्फ। ये देखते हैं, मेरे बैग पैक सब तैयार हो चुके हैं। हाँ, शायद उजाला हो चुका है और अभी तक मैं ठीक हूँ यार, जिंदा हूँ। Hey guys, फाइनली मैं उठ चुका हूँ और जो ये पीछे आपको दिख रहा है, हाँ सही देख रहे हैं आप, यही है मेरा टेंट जिसपे मैं कल रात को रहा था। ऊपर थोड़ा पहाड़ियों पे धूप भी लग चुकी है और जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे अभी तक धूप नहीं आई है और इधर उधर इतना ज्यादा घना जंगल है। कल रात को मैं आपको बता नहीं पाया लेकिन जंगल कुछ इस तरह से है और यहाँ पे है मेरा टेंट। आग कुछ इस तरह से जल चुकी है और अभी थोड़ा लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है, फिर अपने लिए नाश्ता बनाऊंगा। सबसे पहले यार पानी की व्यवस्था करता हूँ, पानी तो है ही नहीं यार। कल तो पानी मैं घर से लाया था तो 5-6 बोतल थी मेरे पास जो स्टॉक में थी, तो कल का काम तो ऐसे ही निपट चुका था। लेकिन रात को खाना बनाया तो पानी अभी बचा नहीं है, पानी के लिए जाता हूँ, क्या पता इधर उधर कहीं ना कहीं पानी तो मिल जाए। इस वाली खाई में भी पानी नहीं है और नज़दीक तो कहीं गधेरा है नहीं, फिर पानी कहाँ मिलेगा। मुझे उम्मीद थी कि इस वाली खाई में पानी मिलेगा और यहाँ ऊपर पीक है, यहाँ कहाँ पानी मिल सकता है। फिर भी ट्राई करता हूँ यार, वरना भूखा रहना पड़ेगा मुझे। तो हे गाइस, इधर उधर जाने पे भी मुझे पानी नहीं मिला लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ नया मिला है, दिखाता हूँ मैं आपको। नया क्या कुछ है, ये पीछे आप देख सकते हैं वाइट वाइट सा, ये है बर्फ और इसे पिघला के मैं पानी तैयार करूँगा, तब जाके अपने लिए मैगी बनाऊँगा। तो इस बर्फ़ को ले जाता हूँ फ्राई बिन में। तो अभी एक बड़ा सा मैंने फ्राई बिन बर्फ़ का भर लिया है और इसे मैं पानी बनाऊँगा। ये नीचे आप देख सकते हैं सामने पे हिमालय की श्री कैसे मस्त दिख रही है यार गाइस, मस्त दिख रही है। और मैं भी अनुमान लगा सकते हैं आप कितने ज़्यादा पीक पे होगा। अभी मैं बर्फ़ ला चुका हूँ, बर्फ़ को रखते हैं थाली पे और अभी इस पे बनाऊंगा मैं ग्रेवी। तब तक मैं थोड़ा आग जला लेता हूँ दूसरे वाले चूल्हे पे। फाइनली मैंने यहाँ भी आग जला ली है, ये देख सकते हैं। और ये काट दिया है मैंने प्याज, प्याज को थोड़ा डाल देते हैं। तो डाल दिया मैंने टमाटर को, मैगी मस्त वाली बनाऊंगा यार गाइस, जब आ ही रखा हूँ तो मस्त मस्त वाली मैगी बना के ही जाऊंगा। थोड़ा सा निकालते हैं बर्फ को और बर्फ को डाल देते हैं जिससे मसाला पूरी तरह से पक जाए। तो सीधे डालेंगे हम मैगी को और मैगी को डालने के बाद उसके लिए पानी तो चाहिए, पानी के लिए मेरा ला रखा है बर्फ और साथ में बर्फ को डालेंगे। तो ये पड़ चुकी है मेरी बर्फ यार, पानी तो है नहीं तो मैंने सोचा बर्फ़ से काम चला लेता हूँ और भूखा तो रह नहीं सकता था यार मैं। और ये देख सकते हैं बर्फ़ कितनी ठोस है यार, आग में भी जल्दी नहीं पिघल रही है। और फाइनली गाइस मैगी बन रही है कुछ इस तरह से। अब जाके बर्फ पूरी पिघल चुकी है और पानी तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस यार मैगी में पानी कम हो चुका है, इसका मतलब बर्फ थोड़ा और ज़्यादा डालनी पड़ेगी।
बर्फ में पता नहीं क्या कुछ है यार। मेरी मैगी बनके कुछ इस तरह से तैयार हुई है। यहाँ पे एक लकड़ी का वो गिर गया है यार, बट कोई नहीं, उसे भी खा लूँगा मैं। और मैगी कुछ ज़्यादा ही बनी यार, और मैगी पता नहीं कैसी बनी, ये तो टेस्ट करके पता चलेगा। तो यार गाइस, फाइनली मैगी बनके तैयार हो चुकी है, और ये देख सकते हैं मैगी मेरी कुछ इस तरह से। अभी चम्मच नहीं है, इससे खाऊंगा मैं, चाकू से खाऊंगा। तो यार मैगी खाते हैं, उसके बाद अभी बहुत सारे काम बाकी है। अभी तो टेंट को क्लोज करना है और बहुत सारे काम है, तो बने रहे मेरे साथ, कुछ अलग ही टाइप का व्यू बनने वाला है जब तक मैं घर नहीं गया। कल मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे जल्दी आना था, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं नाइट कैंपिंग कहाँ पे करने वाला हूँ। तो पहले मैगी खाता हूँ यार, उसके बाद मैं शूटिंग स्टार्ट करता हूँ। तो यार भाई लोग, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। तो चलो, टेंट को मैंने कुछ सामान तो पैक कर लिया है, अभी कुछ पैक करना बाकी है, तो धीरे धीरे टेंट को पैक कर लेता हूँ। और अभी ये पीछे आप देख सकते हैं सनराइज भी हो गया है। चलो चलते हैं, और धूप खिलने वाली है चारों तरफ। तो धूप सुबह खिल चुकी थी पहाड़ियों में, लेकिन यहाँ पे धूप नहीं खिली थी, तो टेंट को अभी पैक कर लेता हूँ। तो हे गाइस, यार मेरे पास अभी टेंट की व्यवस्था नहीं थी, कुछ ऐसे कंबल ओढ़ के मैंने कुछ ऐसे तैयार किया था, अपने लिए टेंट बनाया था। और ये देख सकते हैं, ये कुछ खास का बनाया मैंने, ये रिंगाल होती है ना, रिंगाल बोलते हैं, और उससे मैंने ऐसे मोड़ मार के बनाया। यार गाइस, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कल रात को वीडियो शूट करने का, क्योंकि अंधेरे में पहुंचा मैं। पहले तो मुझे रास्ता ही ना मिला, फिर रास्ता मिला तो बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, वरना रात जंगली जानवरों का डर था मुझे। और ये देख सकते हैं, अभी मेरी लकड़ियाँ भी पूरी खाली हो चुकी है, और मेरी अगीठी कुछ इस तरह से आग जलाई थी, और यहाँ पे टेंट था। फाइनली गाइस, सामान को पैक कर लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। वो घड़ी आ चुकी है, मुझे अपने टेंट को और अपनी अंगीठी को बाय बाय बोलना होगा। ये देख सकते हैं, आग भी अभी यहाँ पे थोड़ा बच रखी है, अभी ख़त्म होने वाली है। और फाइनली मैंने जो लकड़ियाँ थी ला रखी कल की, वो सारी की सारी जला दी है। और आप देख सकते हैं यार गाइस, एक बार ज़रूर बताएं, जहाँ पे मैंने कैंपिंग की है वहाँ पे मैंने गंदा किया है कि नहीं किया है? यहाँ पे मेरी लकड़ियाँ थी और यहाँ पे मेरी आग जला रखी थी, और ये मेरा टेंट कुछ इस तरह से था। तो यार गाइस, जितना भी मेरा सामान था, कचरा था, मैंने सबको जला दिया और सामान को पैक कर लिया, और ये मेरा टेंट है। तो टेंट बाय बाय, निकलते हैं अब सीधे। ये देख सकते हैं, मेरे बैकपैक सब तैयार हो चुके हैं, और अभी सनराइज भी हो चुका है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार। टेंट मेरा ऊपर है, तो टेंट को बाय बाय करते हैं और सनराइज को भी हाई करते हैं। तो गाइस, अभी मैंने जाना है यहीं थोड़ा पास, या मान सकते हैं 1.5-2 किलोमीटर ऊपर पे भैरवनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ पे जाना है मैंने 2 किलोमीटर, हाँ समथिंग ऐसे ही होगा, 2 किलोमीटर में भैरवनाथ जी का मंदिर है, तो वहाँ पे जाता हूँ। तो आ ही चुका हूँ, तो भगवान को भी मिल ही लेता हूँ भैरवनाथ जी से। तो चलो चलते हैं, आपको मैं मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। और अभी यहाँ का आप व्यू देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, ये देख सकते हैं सामने के पेड़, अभी जैसे ही सनराइज हुआ तो कैसे चमक रहे हैं, वाह, अब जाके अमेजिंग वाला व्यू लग रहा है। कल रात को तो कुछ मज़ा नहीं आया यार, और यहाँ केवल जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो यार गाइस, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, जैसे ही सूर्य की पहली किरण पहुँची और मैं भी भैरवनाथ जी के मंदिर में पहुँचा। तो ये है यहाँ का मेन गेट, ये देखे कुछ इस तरह से। अभी मैं नीचे जाऊंगा और बाबा से मिल के आऊंगा, दर्शन करूंगा। यहाँ पे आने पे कुछ ज्यादा ही सुकून है यार, कल मेरे साथ ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बाबा ने कृपा बरसाई। ये दूसरा गेट है हमारा, ये कुछ गेट इस तरह से है। ओहो, बाबा की जय हो। तो यार गाइस, अभी हाल में यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मेरी गुड मॉर्निंग आज यहीं से हो रही है। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू, और बहुत ही ज़्यादा, ये देख सकते हैं। अगर आप लोग नीचे से आते हैं तो ये वाला गेट आपको देखने को मिलता है, और अगर आप लोग ऊपर से आते हैं
तो ये गेट आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं अपने बैग को निकाल लेता हूँ। तो हाय गाइस, नीचे से जो गेट है वो कुछ इस तरह से है, और अभी सूर्य की किरणें भी सबसे पहले मेरे पे पड़ी है। ओम नमः शिवाय। तो ये देख सकते हैं नीचे से गेट कुछ इस तरह से, यहाँ से हमें प्रवेश करना है। तो यार गाइस, पहले आया था मैं, पहले उस टाइम मेरे पास कैमरा नहीं था तो ब्लॉग अच्छे से नहीं बना पाया, और आगे से जाने पे हमें कुछ इस तरह से दिखता है, ये देख सकते हैं। अमेजिंग अमेजिंग यार गाइस, अमेजिंग। मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा, जब भी आपको मौका मिले एक बार जरूर आएगा। और अभी हमारे यहाँ पे है प्रभु की प्रतिमा है, कुछ इस तरह से पत्थर को काट काट के बना रखी है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। और यहाँ बैठे हैं हमारे बाबा जी। तो यार गाइस, अभी पहले मैं ही आ रहा हूँ, सुबह की मॉर्निंग मेरी यहीं से हो रही है, क्योंकि अभी यहाँ कोई नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे दीवा भी नहीं जला रखा है। तो मैं तब तक थोड़ा दीपक जला लेता हूँ। तो गाइस यार, अभी भैरवनाथ जी के मंदिर में थोड़ा आरती कर लेता हूँ, यहाँ बहुत टाइम से मैं आया नहीं। तो ये गाइस यार, फाइनली आरती भी हो चुकी है। ये गाइस फाइनली यार, भैरवनाथ जी के दर्शन भी कर लिए, और आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। मैं तो यार बाबा जी के दर्शन पाके धन्य हो गया यार गाइस, सच में बोल रहा हूँ। कल मैं वहाँ सोलो कैंपिंग में था तो बाबा ने कृपा लगाई, कुछ नहीं हुआ, जंगली जानवर भी नहीं आए, और मुझे 3 बजे के बाद नींद भी आ गई थी। तो फाइनली अभी मैंने पूजा भी कर ली है, आरती भी कर ली है, तो थोड़ा चलता हूँ यार, अब घर में चलता हूँ। अभी बैटरी भी चार्ज नहीं है, दोनों बैटरियाँ मेरी बुश हो रखी है यार, अब चार्ज नहीं है, तो इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊंगा। तो जय हो बाबा जी। तो यार गाइस, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा या ना लगा, दोनों केस में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं यार, और ब्लॉग को शूट करता हूं, तो बने रहे मेरे साथ। बदमाश पहाड़ी यूट्यूब चैनल में आने वाले आपके लिए ऐसे ही अलग ही टाइप के वीडियो आने वाले हैं। टन टन, बाय बाय। और ये है हमारे भोलेनाथ जी। यार गाइस, काफी अच्छा है यहाँ पे व्यू, ये देख सकते हैं। और ये हमारे नंदी जी बैठ रखे हैं, जय हो बाबा की। और यही जस्ट क्लोज बिकिन संघ का भी जबरदस्त का है। और अभी मैंने आरती तो कर ली है, तो गाइस यार चलो निकलते हैं, अभी मुझे निकलना ही पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है मेरे पास, और बैटरी भी चार्ज नहीं है। तो चलो चलता हूँ यार, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाबा जी मेरे पे कृपा बनाए रखना, यही उम्मीद करता हूँ आपसे। बहुत ज्यादा घाम आया, तो बाबा को बाय बोलता हूँ। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपको भी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे, ऐसे ही धासु वीडियो के लिए संपर्क करे, बनवास पहाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे। तो यार गाइस, मैंने अपने लिए ये भी बना लिया है, अगर आप कभी भी खोम भैरवनाथ के पास आए तो आपको ये वाला जरूर दिखेगा। और ये देख सकते हैं, यहाँ नीचे पे था मेरा टेंट, और यहाँ से जो हिमालय का व्यू दिखता है वो कुछ इस तरह से दिखता है।
ओ हिमालय में पूरा का पूरा बर्फ गिर रखा है और यहाँ से व्यू भी काफी जबरदस्त का है। ऐसे रहा था मैं कल इस घनघोर जंगल में। तो गाइस यार चलते हैं, अभी बैटरी पे चार्ज नहीं है और ब्लॉग भी शूट नहीं होगा, तो सीधे नीचे ही मिलूंगा मैं आपको।